Hey everyone good evening my name is Vishwadeep and i welcome you all on unacademy computer science channel for unlimited learning today in this coa 2.0 session we are going to discuss about what is an instruction देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कैन कॉल इंस्ट्रक्शन वॉट एवर दे फील लाइक इज द इंस्ट्रक्शन बट ऐसा नहीं होता है इंस्ट्रक्शन बहुत स्पेसिफिक चीज होती है और एज बींग एन इंजीनियर जब आप आई आई टी आई आई एस सी में या किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको हर एक चीज का स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना जरूरी है तभी आप अच्छे तरीके से इंटरव्यूज और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे तो आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन होता क्या है कैसे किस चीज को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और कंप्यूटर के टर्म्स में एक सीपीयू के टर्म्स में उस इंस्ट्रक्शन की क्या वैल्यू होती है ये सब हम देखेंगे आज के सेशन में जब सेशन हम स्टार्ट करेंगे ओके okay, उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं वो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन माय नेम इज विश्वदीप और मैं इस चैनल पे एज अ चैनल लीडर वर्क करता हूं मैंने गेट कंप्यूटर साइंस बहुत बार लिखा है मेरी ऑल इंडिया रैंक्स हैं यहाँ लिखी हुई है मास्टर्स एक्सपीरियंस कोर्सेस सब कुछ यहां पे है बट ये सब जितना भी प्रोफाइल या जितने क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब तभी इंपॉर्टेंट होगा जब इनका आपके लिए किसी कम्युनिटी के लिए यूज होगा किस कम्युनिटी के लिए मैंने सिलेक्ट किया कि मैं इन सारी चीजों को जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है मैं यूज करूंगा वो है स्टूडेंट कम्युनिटी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन की तो इस चैनल के थ्रू और अन एकेडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए आप एक्सप्लोर करो इस चैनल को प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देखो क्या क्या प्ले ऑलरेडी कवर्ड है आपके पास ऑन है आपके पास वो सब आपको मिलेगा और बहुत बहुत गजब के कंप्लीट कोर्सेस कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस फॉर योर सेमेस्टर्स प्लस गेट एग्जाम आपको मिल जाएंगे प्लेसमेंट के लिए भी मिलेंगे और बहुत सारे कुछ अलग अलग प्रैक्टिस और थेरी सेशन मिल जाएंगे इसी चैनल पे अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है तो डेफिनेटली इस चीज को जरूर एक्सप्लोर करें साथ ही साथ आपको एक और चीज एक्सप्लोर करनी है फ्री सेशंस के लिए और वो है अनकेडमी का प्लेटफॉर्म कैसे करेंगे अन अकेडमी डॉट कॉम पर जाओ या अनकेडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करो और अपना अकाउंट बनाओ डे टी एस सी कैटेगरी के, के लिए और उस अकाउंट में आप फॉलो करो विश्वदीप गोठी मेरी प्रोफाइल को अगर आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो मेरी ही प्रोफाइल के अंदर आपको जाके मिलेगी स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्यों है क्योंकि फ्री है इसलिए ये स्पेशल क्लासेस में एमएसक्यू क्या होते हैं कैसे सॉल्व होते हैं उनके सेशंस थियोरिटिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करना है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं टफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इस टाइप के बहुत सेशन है एक्सप्लोर करिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी बट अगर आप लोग अन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी लर्न करना चाहते हैं तो वहां पर क्विजेस सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्पेशल क्लासेस हैं ये सब आप अनलॉक कर सकते हो इस कोड के साथ वी दीप टेन एप्सल्यूटली फ्री अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस अटेंड करने के बहुत सारे फायदे हैं इंटरेक्टिव है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा पोल्स की फैसिलिटी है डाउनलोड करके और कहीं भी कभी भी देख सकते हो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव वे में लर्निंग मिलेगी जो आपको बहुत बहुत एंगेजिंग लर्निंग होगी अब बात करते हैं आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपने ली है अपने सिर पे अपने कंधों पे और वो है गेट में अच्छी रैंक लाने की सपना सब देखते हैं और सपना सच करने के लिए मेहनत भी करते हैं बट वो मेहनत आपकी बेस्ट हो चलेगा बट वो मेहनत बेस्ट जो आपकी है क्या वो दूसरों के बेस्ट से बेटर है क्यों क्योंकि आपके अगेंस्ट है एक लाख स्टूडेंट और उससे भी ज्यादा और वो भी मेहनत कर रहे हैं उन्हीं टॉप हंड्रेड टॉप टू हंड्रेड में आने का तो रेशो बहुत ज्यादा है या बहुत एक्चुअली बहुत टफ है कि आप उनमें सेलेक्ट हो जाएं अंडर हंड्रेड अंडर टू हंड्रेडर तो उसके लिए क्या चाहिएगा आपको आपको दूसरों से बेटर बनना पड़ेगा तो आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि एकदम डिफरेंट है जो कि एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज लेके गेट एग्जाम में जाएगा एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लर्निंग लेके गेट एग्जाम में जाएगा और वो तभी मुमकिन है जब आप लोगों का प्रिपरेशन जो है उसका प्लानिंग उसका प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन मुमकिन हो पाए प्लानिंग और प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन हम आपको दे सकते हैं अगर आप लोग साथ में रहेंगे और एग्जीक्यूशन जो प्लान हम बताएंगे उसका अगर सही तरीके से आपने कर दिया तो फॉर श्योर आपकी रैंक अच्छी आ सकती है और उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे जहां हम आपको देते हैं एक स्ट्रेटेजिकल प्लान फॉर द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग ये प्लस के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम साथ ही साथ मिलेगा डाउट सॉल्विंग वीकली टेस्ट क्रैश कोर्सेस गाइडेंस ऑफ एजुकेटर बट ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूं वो है एक ऐसे प्लान ऑफ स्टडी का और प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन का जिससे आपको करंट जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतनी ही मेहनत में ज्यादा रैंक लाने की पॉसिबिलिटी बनती है ये आप नहीं समझेंगे अभी बट डेफिनेटली समझेंगे जब आप गेट का एग्जाम फेस कर पाएंगे या फिर जब आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे अगर लेट नहीं करना है तो जल्दी से अपनी आंखें खोलो और अच्छे प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करो अदरवाइज मैं और आप दोनों नहीं चाहते कि आप लेट लेटर ऑन रिग्रेट करें मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा अगर आप खुद से कर पाए तो ठीक है नहीं तो हमारे पास आपके लिए प्लान है अनकेडमी प्लस पे आके और ले लो ये अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं किसी भी ड्यूरेशन के ले लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा वीडीप टेन ताकि आप टेन परसेंट डिस्काउंट और साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं इसके अलावा एक और प्लान है जिसमें हम और पर्सनलाइज और कस्टमाइज प्रिपरेशन कराते हैं जिसे है जिसका नाम है आइकॉनिक इसमें अन प्लस के सारे बेनिफिट्स हैं साथ ही साथ आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच का बेनिफिट जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देंगे आपको पर्सनलाइज और कस्टमाइज प्रिपरेशन देंगे और ये सब आपको मिलेगा स्टडी बूस्टर सेशन पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस इज डाउट सॉल्विंग और एक्स्ट्रा बूस्टर सेशन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स एंड मटेरियल आल्सो ये सब मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो सिर्फ आप 12, 18 एंड 24 मंथ्स के पैकेज में ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड टेन परसेंट का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा एक एक्सलरेट बैच हमने स्टार्ट किया है जो क्विकली कोर्सेज को कंप्लीट करवाएगा तो अगर आप अभी अभी बिगिनर हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे मल्टीपल बैचेस और मल्टीपल कोर्सेस रनिंग में हैं किसी भी बैच का किसी भी कोर्स आप ले सकते हैं अन प्लस के सब्सक्रिप्शन लेके क्योंकि वहां है आपके पास टॉप क्लास एजुकेटर्स जो बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स हैं कंट्री के ओके okay, स्टार्ट करेंगे सेशन को बट सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सब लोगों को पता है कि मैं आपसे सबसे पहले क्या डिमांड करता हूं मैं चाहता हूं कि आप लोग लर्निंग के लिए रेडी हो जाएं और उसके लिए चाहिए आपका फोकस उसके लिए चाहिए आपका कंप्लीट अटेंशन टूवर्ड्स माय क्लासेस मुझे अटेंशन नहीं चाहिए यहां जो मैं लर्निंग करवाऊंगा ना उसको अटेंशन चाहिए क्योंकि अगर अटेंशन नहीं दिया एक स्टेटमेंट मिस हो गया एक वर्ड मिस हो गया पूरा लेक्चर गया आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा ओके okay, तो जल्दी से हमें यह बता दें आपके कमेंट्स में कि आप लोग रेडी हैं या नहीं और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है यार अगर सेशन को अच्छा लगेगा आपको सेशन को तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना अरे लिखो भाई रेडी हो कि नहीं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन चैप्टर तो इंस्ट्रक्शन होता क्या है इंस्ट्रक्शन एक ऐसी कमांड होती है जो सीपीयू तक जाती है जिससे सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इट्स अ कमांड टू सीपीयू फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ये है बेसिक डेफिनेशन बट आपको और मुझे दोनों को नहीं पता है कि ये इतने से काम नहीं चलेगा इतने में काम नहीं चलेगा आप लोग भी डेफिनेटली और ज्यादा डिमांड करोगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है. और हम भी कोर्स मैं नहीं मानूंगा जब तक आपको पूरा क्लियरली समझ में नहीं आ जाता तब तक तो सबसे पहले एक बात बात करते हैं जितने भी कंप्यूटर आज हम यूज करते हैं वो सारे डिजिटल टाइप के कंप्यूटर होते हैं आप सब लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से यस और नो जल्दी से बताएं हां डेफिनेटली सारे डिजिटल टाइप के कंप्यूटर हैं अब क्रॉस क्वेश्चन में करता हूं आपने हाँ तो कर दी कि हाँ सर डिजिटल टाइप के कंप्यूटर यूज करते हैं अब आप ये बताओ अप्रोप्रिएटली और करेक्टली बताना इधर उधर की जलेबियां नहीं बनाना है ना जलेबी बनाने के लिए आपकी दूसरी काम करेंगी गेट में जलेबी नहीं बनेगी आई के प्रोफेसर के सामने जलेबियां नहीं बना पाओगे को कुछ तो भी बोलो और आंसर हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा ठीक है तो सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं डिजिटल कंप्यूटर आपने कहा तो सर इसका मीनिंग तो बताओ इसका मीनिंग तो बताओ कि डिजिटल कंप्यूटर क्यों है किस टाइप के कंप्यूटर को आप डिजिटल कंप्यूटर बोलते हो सर वो बाइनरी होता है ना इसलिए अरे बाइनरी होता क्या है बाइनरी तो हर जगह काम करेगा मैं पेपर पे लिखूंगा तो भी बाइनरी हो जाएगा तो क्या वो कंप्यूटर बन जाएगा नहीं बाइनरी कंप्यूटर का मतलब है कि वो बाइनरी पे काम करे ऐसा एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो बट इसको थोड़ा और एलॉबरेट करो ना आप इंजीनियर हो आप नॉर्मल कोई प्रोफेशनल नहीं हो कि आप फालतू का या एक सिंपल सा स्टेटमेंट बो थोड़ा तो टेक्निकल बोलो तो एक ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट डिजिटल फॉर्म में ले और जो आउटपुट डिजिटल फॉर्म में दे उसे बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर है ना अब बाइनरी जीरो वन मेरे को पता था मैक्सिमम लोग बाइनरी जीरो वन लिखेंगे पर बाइनरी जीरो वन तो पेपर पे भी तो लिख सकता हूं मैं उसको कंप्यूटर थोड़ी बोलेंगे एक ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट किस फॉर्म में ले बाइनरी फॉर्म में और आउटपुट भी किस फॉर्म में दे भैया बाइनरी फॉर्म में अब आप ये बताओ कि आपका जो कंप्यूटर है मेनली हम बात कर रहे हैं यहां पे सीपीयू की तो ये जो सीपीयू है वो बाइनरी फॉर्म में अगर इनपुट लेता है तो ये इनपुट होता क्या है इनपुट किस चीज को बोल रहे हो एक किसी सीपीयू में इनपुट दो टाइप के होते हैं एक होता है एक तो आपका प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हो सीपीयू में और उस प्रोग्राम को रन करने के लिए डेटा नहीं समझ में आया आपने लिख दिया एक प्रोग्राम क्या लिखा प्रोग्राम में सपोज द प्रोग्राम टू एड टू नंबर ये तो प्रोग्राम है जी हाँ, अब ये ये जो प्रोग्राम प्रोग्राम आपने लिखा है ये तो प्रोग्राम है तो बट इसमें दो नंबर जो होंगे ना उनकी वैल्यू को हम बोलेंगे डेटा तो प्रोग्राम एक जगह स्टोर्ड है जी हाँ आपने वेरिएबल ए बी एक्स वाई जो भी बनाए हैं वो दो वैल्यूज कहीं पे स्टोर्ड है वो जो दो वैल्यू है उन्हें बोलेंगे डेटा टू रन द प्रोग्राम ठीक है तो जो इनपुट है बाइनरी में इनपुट दो टाइप का होगा इस डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सीपीयू में और वो इनपुट क्या है एक तो प्रोग्राम और दूसरा है डेटा तो अब कभी भी वर्ड अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस के लिए बात कर रहे हो तो डेटा इज नॉट अ वेरी कॉमन वर्ड की कभी भी कुछ भी यूज कर लिया डेटा इज अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड और वो क्या बताता है वो बताता है कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वैल्यूज हम यूज करेंगे वो वैल्यूज होंगी डेटा वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है एरे हो सकता है स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ भी हो सकता है बॉस ये डेटा data, किसी डेटाबेस की वैल्यू हो सकती है किसी डेटाबेस के कंटेंट से उठा के लाई हुई वैल्यू हो सकती है किसी फाइल का कंटेंट हो सकता है कुछ भी हो सकता है डेटा तो डेटा बहुत स्पेसिफिक चीज है दोनों आप इस सीपीयू तक पहुंचाएंगे जी हां बट आपने कहा सर बाइनरी फॉर्म में डेटा तो बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसका तो मैंने आपको डिटेल बताया इंटीजर को कैरेक्टर को फ्लोट को सबको कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है मैंने बेसिकली सब कुछ बता दिया है पहले लेक्चर्स में अब हम बात करेंगे डेटा नहीं प्रोग्राम की कि प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखे नहीं सीखना हमें कि बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा हमें यह सीखना है पहले तो कि अच्छा प्रोग्राम भी बाइनरी फॉर्म में होता है जी हां होता है सर हमने तो कभी नहीं लिखा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्यों क्योंकि आपके पास में है हाई लेवल लैंग्वेजेस और वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं आप लिख सकते हैं इजी फॉर्म में एज यूजर हमारे पास सब कुछ आसानी से अवेलेबल है बट एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू में तो वो बाइनरी फॉर्म में जाएगा जी हाँ तो कंपाइलर नाम की एक चीज होती है या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम की एक चीज होती है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करती है बाइनरी में कन्वर्ट करती है और आपको ये चीज अब आप Clearly समझ में आएगी कि एक प्रोग्राम जो आपने लिखा है इतना कहीं तो खुद से या किसी से देख के टीप टाप के लिखा तो होगा ऐसा प्रोग्राम फॉर श्योर यस तो एक प्रोग्राम जो आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम क्या सीपीयू इस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को समझ सकता है नहीं ना सीपीयू विल से न को अमका नहीं समझता रे बाबाई अमका कायली बाइनरी समझता तो फिर सीपीयू के लिए कंपाइलर नाम की एक चीज आती है जो क्या करती है इसको इक्विवेलेंट बाइनरी प्रोग्राम में ट्रांसलेट करवाती है और यह बाइनरी प्रोग्राम फिर सीपीयू पे चलता है इक्विवेलेंट इसलिए बोला क्योंकि ये जो काम करना चाहता है वही ये वाला प्रोग्राम सीपीयू पे रन होके करेगा तो इसको क्या बोला आपने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इसको क्या बोलेंगे वो प्रोग्राम जो सीपीयू पे डायरेक्टली रन कर पाए और जिसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम या फिर और भी बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं जल्दी से बताओ इसके नाम क्या है जल्दी से बताओ इसके नाम क्या है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बोल सकते हैं जी हां इसको बाइनरी कोड भी बोला जाता है क्योंकि ये बाइनरी में है इसको बाइट कोड भी बोला जाता है क्योंकि ये बाइनरी में है और एक, एक एक बाइट के बेसिस पे भी स्टोर हो सकता है इसको मशीन कोड भी बोला जा सकता है क्योंकि ये मशीन पे डायरेक्टली रन कर सकता है अब आप देखो आपका कंप्यूटर का जो डिजाइन है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हम तो ये लिखते हैं बट आपका कंपाइलर ये बना देता है आई बात समझ में अब जो यहां एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये इंस्ट्रक्शन है नहीं ये है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं इनको प्रोग्रामिंग जोर से बोलो जोर से जय माता दी मत बोलना रे जोर से ये वर्ड बोलो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आई कैन लिसन ये सारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स क्या ये सीपीयू एज इट इज समझ सकता है नहीं क्या समझेगा सीपीयू इनको और सीपीओ अगर इनको समझता है तो इनमें जो ये एक 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 लाइन लिखी हुई है ना बाइनरी की वो होता है एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये जे हैं इंस्ट्रक्शंस एक एक एक, -एक लाइन जो इस लो लेवल लैंग्वेज कोड में है वो है इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू पे डायरेक्टली रन कर सकता है. तो अगर मैं आपसे कहूं क्या कि एक इंस्ट्रक्शन बाइनरी का कॉम्बिनेशन होता है जो सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू के कान में बोलता है कि सीपीयू ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो सीपीयू कर देता है तो क्या गलत होगा नहीं होगा तो अगली लाइन जो है इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है और वो कहता है अ ग्रुप ऑफ बिट्स ग्रुप ऑफ बिट्स क्यों क्योंकि बाइनरी का कॉम्बिनेशन है अ ग्रुप ऑफ बिट्स इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा समझ में आ गई बात तो ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में एक एक स्टेटमेंट क्या रहता है इंस्ट्रक्शन रहता है सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन उठा के एग्जीक्यूट करता है वन 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 बाय बाय पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है और ये इंस्ट्रक्शन कौन जनरेट करता है द लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज डन बाय होम या तो कंपाइलर आएगा या फिर इंटरप्रिटर आएगा इज दैट फाइन इज दैट फाइन ठीक है अभी इतनी बात आपको अगर समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के और इस इंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा चीरफाड़ करेंगे चीरफाड़ मतलब और थोड़ा डिटेल में इस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे अभी मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो है एक ग्रुप ऑफ बिट्स कितनी बिट हो सकती है ये सीपीयू पे डिपेंड करता है ये सीपीयू पे डिपेंड करता है कि जब सीपीयू का डिजाइन होगा तो वो सीपीयू बोलेगा या वो सीपीयू का डिजाइन जो है वो कहेगा कि भैया हम एक एक इंस्ट्रक्शन आठ आठ बिट का एक्सेप्ट करेंगे ओके कंपाइलर विल डू व्हाट? कंपाइलर हर बार जब भी इंस्ट्रक्शन बनाएगा हाँ बिट का बना देगा अगर सीपीयू का डिजाइन ऐसा है कि वो बोलता है कि भैया हम 16 बिट का एक इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कंपाइलर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन बनाएगा जो भी सीपीयू का डिजाइन है उसके बेसिस पे इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स हो जाएगा और उसके बेसिस पे ई भाई साहब वो इंस्ट्रक्शन बना देंगे ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन में क्या क्या गिवन होता है एक इंस्ट्रक्शन जो है उसमें बाइनरी डेफिनेटली बाइनरी बिट्स हैं ठीक है इस इंस्ट्रक्शन को कभी कभी इंस्ट्रक्शन कोड भी कहा जाता है घबराना नहीं है ना इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड एक ही चीज है इस इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बिट्स हैं है ना उन बिट्स में से कुछ बिट्स लेफ्ट हैंड साइड की फिक्स्ड है हा हैंड साइड की कुछ बिट्स इस काम के लिए आती है कि ये बिट सीपीयू को बता पाएंगी कि ये इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन क्या है क्या ये एडिशन परफॉर्म करना चाहता है क्या ये डिलीशन परफॉर्म ओके एडिशन परफॉर्म करना चाहता है यान परफॉर्म करना चाहता है या एंड और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है ये इंस्ट्रक्शन उसका क्या होगा कुछ बिट्स क्या बताएंगी कि क्या ऑपरेशन है तो कुछ बिट्स को हम अलग करके और उन बिट्स से क्या पता करेंगे ऑपरेशन ओके ओके थोड़ा सा इसको अभी बाद में बात करते हैं कुछ बिट्स क्या बताएंगी ऑपरेशन बताएंगी और बची हुई बिट्स क्या बताएंगे बची हुई बिट्स बताएंगे कि ऑपरेशन के लिए आपको ऑपरेंट चाहिए तो ऑपरेंट कहां मिलेंगे उसकी इंफॉर्मेशन यहां होगी ऑपरेंट आपको रजिस्टर में मिलेगा एक्यूमुलेटर में मिलेगा मेमोरी में मिलेगा कहां से मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन कहां होगी यहां बची हुई बिट्स स्पेसिफाई करेंगी कि आपको इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंट कहां से मिलेगा तो बची हुई इंफॉर्मेशन किस चीज की होगी ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन अब ये ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन में मल्टीपल टाइप्स हैं कि कैसे ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं यहां पे वो हम देखेंगे बाद में सबसे पहले इसके पास आते हैं ये जो फील्ड है कुछ स्टार्टिंग बिट्स हैं इस पूरे इंस्ट्रक्शन की जो बता रही है ऑपरेशन इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड फील्ड या फिर इन शॉर्ट ऑप कोड तो ऑपकोड है कुछ नहीं घबराने का नहीं ऑपकोड सिर्फ एक पार्ट है पूरे इंस्ट्रक्शन का कुछ नंबर ऑफ बिट्स इंस्ट्रक्शन की जो ये स्पेसिफाई करेंगी ये बताएंगी कि ऑपरेशन क्या है इस इंस्ट्रक्शन का एडिशन का है कि सबस्ट्रक्शन का है कि किस टाइप का है ठीक है अब ये बची हुई बिट्स क्या बताएंगे कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर आपको एक ऑपरेंट चाहिए दो चाहिए तीन चाहिए जो भी जितने भी ऑपरेंट चाहिए वो ऑपरेंट कहां से कैसे मिलेंगे बची हुई इंफॉर्मेशन बची हुई बिट्स वो बताएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिटेल के बारे में जानते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ और डिटेल आपको दूंगा एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा ले लेते हैं थोड़ा ना पेशेंस रखा करो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर अगले दस मिनट में आ जाएगा आपके पास तो फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाए टेंशन नहीं लेने का सारी जो चीजें हैं क्लियर होके जाएंगी सर ऑपकोट का साइज फिक्स होता है क्या इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स होता है क्या थांबा, मैं बताएगा कब सही वक्त आने पे पहले ये सुनो एग्जाम्पल अज्यूम दैट अ पीपी सपोर्ट्स एट बिट्स इंस्ट्रक्शंस एक सीपीयू है जो आठ बिट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर सकता है मान लेते हैं यह सब अजम्पशन है हा सर कौन सा सीपीयू है क्या यह फिक्स हो जाएगा है एक टाइप का सीपीयू यह करेगा किसी दूसरे टाइप का सीपीयू कुछ और कर सकता है प्योरली अजम्पशन आठ बिट का पूरा इंस्ट्रक्शन हमने लिया इन आठ बिट्स में से मैंने अज्यूम किया कि के लिए गिवन बिट्स हैं तीन तो तीन बिट क्या स्पेसिफाई करेंगी लेफ्ट वाली कि ये अगर कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो उसमें से स्टार्टिंग की तीन बिट बताएगी कि ऑपरेशन क्या है इस इंस्ट्रक्शन का क्या ये एडिशन के लिए चाहता है क्या ये सीपीयू से एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है या क्या और यहां पे क्या होगा यहां पे होंगी ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन बताओ ऑपरेंड इंफॉर्मेशन के लिए कितनी बिट्स बची बिट्स, ठीक अब बात करते हैं कि किसी इंस्ट्रक्शन का अगर टाइप आइडेंटिफाई करना है तो वो आइडेंटिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ उसके ऑपरेशन से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कह दी है आप नोट्स में भी लिख सकते हो द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ऑपरेशन इट्स ऑप कोड लिख लो चाहो तो लाइन ला। इसका मतलब क्या है बताता हूं थोड़ी देर में क्लियर होगा है ना देखिए कोड के लिए कितनी बिट्स हैं आपके पास तीन तो कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास आया तो उसमें स्टार्टिंग की तीन बिट क्या क्या हो सकती है कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सीपीयू के पास आया तो उसके पास स्टार्टिंग की तीन बिट हो सकती हैं या तो जीरो, जीरो 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 या फिर जीरो जीरो वन या फिर जीरो वन जीरो या फिर जीरो वन वन और वन जीरो जीरो और वन जीरो वन जीरो और वन वन जीरो और वन 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 इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री बिट ऑफ कोड के लिए सीपीयू के पास आ सकता है तो जब कोई जब कोई सीपीयू डिजाइन होता है तो डिजाइन के टाइम पे जो डिजाइनर है उसने ये चीज डिसाइड करके रखी है कि भैया हम जो सीपीयू बना रहे हैं वो सीपीयू में कितने टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे मैक्सिमम आठ टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपको तीन बिट का जनरेट होगा और टोटल इंस्ट्रक्शन आठ बिट का आना चाहिए डिजाइनर ने फिक्स कर दिया उसके बेसिस पे कंपाइलर जनरेट करेगा ये इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने यहां पे आपको बताया था ये जो इंस्ट्रक्शन कंपाइलर जनरेट करता है किसके बेसिस पे करता है जो ऑलरेडी सीपीयू डिजाइन है उसके बेसिस तो डिजाइनर ने फिक्स कर दिया कि भैया हमने जो सीपीयू डिजाइन किया है उसमें सीपीयू सिर्फ आठ टाइप के अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एट डिस्टिंग ऑपरेशन द सीपीयू कैन परफॉर्म बेस्ड ऑन दैट ऑप कोड अगर इंस्ट्रक्शन का होगा तो वो तीन बिट का लगेगा और इंस्ट्रक्शन आठ बिट का है क्योंकि ऑपरिड इंफॉर्मेशन के लिए पांच बिट लगेंगे अब ये तीन बिट के आठ जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं क्या वो आठ अलग अलग ऑपरेशंस को डिनोट कर सकते हैं यस yes. uh, यही तो फंडा है सर यही तो फंडा है सर तो क्या होगा ये जीरो 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 आप एज बींग साइंटिस्ट और डिजाइनर डिसाइड करोगे कि, कि किस ऑपरेशन के लिए देना है जस्ट फॉर अजम्पन ये पूरा अजम्पन है वापस से मैं रिपीट कर देता हूं रिकॉर्डेड या लाइव कुछ भी सुन रहे हो पूरा अजम्पन का खेल है फॉर एक्सप्लेनेशन ओके सो जीरो 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 मैंने अज्यूम किया कि ये दे रखा है एडिशन के लिए 001 अज्यूम करता हूं कि ये दे रखा है सब्ट्रैक्शन के लिए जीरो वन जीरो दे रखा है एंड के लिए ये दे रखा है और के लिए ये दे रखा है मूव के, के लिए ये दे रखा है लोड के लिए ये दे रखा है स्टोर के लिए और लास्ट वाला दे रखा है इंक्रीमेंट के लिए बस इतने ही ऑपरेशन हैं हमारे पास आठ अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑपरेशन हर एक ऑपरेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो तो आपके पास अगर तीन बिट थी ऑपकोट की तो मैक्सिमम ऑपकोट कॉम्बिनेशन कितने हो सकते थे आपके पास इक्वल टू बोलो भैया टू पावर थ्री एट टू पावर थ्री एट है ना नहीं हो पाएगा ये इसीलिए हमने क्या लिखा आठ अलग अलग टाइप के ऑपरेशन यहां पर लिख दिए तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो एक सीपीयू है जो एट बिट का इंस्ट्रक्शन समझ सकता है जिसमें तीन बिट का ऑफ कोड है उस सीपीयू में मैक्सिमम आठ एट अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं क्या हम कह सकते हैं यस ठीक है तो मैं यहां स्टेटमेंट लिख देता हूं द सीपीयू कौन सा जो प्रीवियस पेज पे मैंने लिखा है द सीपीयू कैन सपोर्ट मैक्सिमम एट डिस्टिंक्ट ऑपरेशन और अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने कहा था कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई होगा टाइप ऑफ ऑपरेशन से एक इंस्ट्रक्शन हम किस टाइप का ले सकते हैं एडिशन टाइप का ले सकते हैं जी हाँ एक इंस्ट्रक्शन हम सब्ट्रेक्शन टाइप का ले सकते हैं जी हाँ सीपी यू सपोर्ट करेगा एक इंस्ट्रक्शन हम एंड टाइप का ले सकते हैं एक और टाइप का एक मू टाइप का एक लोड स्टोर इंक्रीमेंट डेट सेट इतने ही टाइप के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर एट डिस्टिंक्ट ऑपरेशन सीपीयू सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक एट डिफरेंट और डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे सीपीयू में सपोर्ट होंगे तो क्या लिखेंगे हम द सीपीयू कैन सपोर्ट मैक्सिमम एट Distinct instructions बोलो एग्री करते हो कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है सबका फोकस चाहिए यहां पे क्या लिखा है मैंने जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं अगर हमने ऑपकोड बिट्स देखी हैं तीन मतलब टू पावर थ्री एट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड हो सकते हैं सीपीयू के पास और बेसिस ऑफ दैट हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आठ अलग अलग टाइप के ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर सकता है और वही आठ अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन हम सपोर्ट करवा सकते हैं किसी सीपीयू में इज दैट क्लियर यस और नो तो मैक्सिमम कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे सीपीयू में ये किस पे डिपेंड करेगा डिपेंड करेगा कि ऑप कोड में कितनी बिट्स हैं हमारे ऑल द क्वेश्चंस के लिए अगर ऑपकोड में चार बिट्स हुई तो मैक्सिमम कितने डिस्टिंक्ट सपोर्ट होंगे सीपीयू में टू पावर फोर अगर ऑपकोड में सिक्स बिट्स हुई तो टू पावर सिक्स सिक्सटी फोर डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे सीपीयू में एग्री करते हो यस नो लिखो और जितने लोग एग्री करके और समझ रहे हैं चीजों को और अगर आपको सेशन मजा आ रहा है देखने में तो लाइक जरूर कर देना चलो अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वर्ड के बारे में यह क्या होता है बड़ा भारी भरकम एक शब्द है आई एस ए कुछ नहीं कलेक्शन ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय अ सीपीयू अगर मैंने ये आठ इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन बना दिया कि भैया एक सीपीयू है जो ये आठ इंस्ट्रक्शन ये 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 सपोर्ट करता है तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे इस पर्टिकुलर सीपीयू के लिए यह है आई एस ए इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में ये आठ इंस्ट्रक्शन हुए तो आई एस ए क्या होगा कुछ भी नहीं एक बड़ा भारी शब्द शब्द है जिसका मीनिंग है जितने इंस्ट्रक्शन उस सीपीयू में सपोर्ट होते हैं उन सबको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर दो तो वो हो जाएगा एक आई एस ए बस दैट्स इट हां जी तो इसका साइज अगर दे रखा हो तो अगर मैंने कहा कि देर इज अ सीपीयू अर इज अ सीपीयू अच इज हैविंग इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 16 इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 16 व्हाट डज इट मीन अगर कोई सीपीयू है जिसमें इंस्ट्रक्शन सेट का साइज 16 है इसका मतलब उसमें 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड हैं एग्री करते हो यस yes no, yes no और नो यस नो लिख के और थंब जरूर देते रहना चलो आगे बढ़ते हैं अब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे ना तब इनको पढ़ना जरूरी था हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर के जमाने में 2008 के पहले अब हमें नहीं समझना अब मुझे कोई मतलब नहीं है एलडीआई या एलडे एलडीए का मतलब क्या है कैसे ये इंस्ट्रक्शन चलता है क्योंकि ये माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड स्टडी थी जो 2008 के पहले थी कि 8085 किसी टाइप का माइक्रो प्रोसेसर या 8086 टाइप का माइक्रो प्रोसेसर हमारे टाइम में था कहां पे जब 2008 के पहले पहले सिलेबस में था तब हम पढ़ते थे अब नहीं पढ़ना तो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को डिनोट करने के लिए हमारे पास वर्ड है जैसे कि एडिशन के लिए हम ए डबल डी लिखते हैं एंड के लिए ए एन डी लिखते हैं ऐसे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर स्टडी में था कि के हम याद आज भी रख सकते हैं एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं बेस्ड ऑन ऑपरेशन अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं हाँ ठीक है हमने देख लिया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज का है वो ये बेस्ड ऑन ऑपरेंट्स कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली एक और टाइप का इंस्ट्रक्शन होता है बट आप यूज नहीं होता है और ना ही हमारे सिलेबस में है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे फोर एड्रेस टाइप के भी इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे मैंने पढ़ाया हो तो ठीक है पहले कहीं अब जरूरत नहीं है तो हम छोड़ देते का हैं काहे को ऐसी चीज पढ़ना जो गेट में नहीं आना चलो सबसे पहले यह है चार टाइप के इंस्ट्रक्शन थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन

मैक्सिमम थ्री एड्रेसेस कैन बी स्पेसिफाइड विद इन एन इंस्ट्रक्शन अगर कोई कंप्यूटर में आपने कहा कि वो कंप्यूटर थ्री एड्रेस टाइप का इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है इसका मतलब कि उस उस में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे तो मैक्सिमम तीन ऑपरेट की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो मैक्सिमम कहा है हा मैक्सिम तीन ऑपरेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बट अगर किसी ऑपरेशन में तीन ऑपरेंट लगे ही नहीं तो सिर्फ दो ही ऑपरेंट लगे तो जैसे रजिस्टर आर जीरो की वैल्यू आर वन में कॉपी करना दो ही वैल्यू लगेगी तो क्या आप दो ऑपरेशन दो ऑपरेंट ही दोगे हाँ जी वो भी चलेगा क्या किसी ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेंट की जरूरत हो सकती हो सकती है तो क्या आप एक भी दे सकते हो दे सकते हैं क्या किसी ऑपरेशन के लिए अगर ऑपरेंट की जरूरत नहीं है तो सारे ऑपरेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा चलेगा बट मैक्सिमम कितना इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम तो मैंडेटरी है किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई भी क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन बेसिस पे आए अगर दिया दिया नहीं दिया, के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं है ऑपकोड के बिना तो कोई इंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता बिना ऑपकोट के तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता ऑपकोड तो होना जरूरी है ऑपकोट के अलावा कितने अलग अलग रेफरेंसेस आप दे सकते हो एक रेफरेंस र... किसी ऑपरेंट का यहां दूसरे ऑपरेंट का यहां तीसरे ऑपरेंट का यहां अब ये एड्रेस का मतलब मेमोरी एड्रेस ही नहीं है, हा? इस में आप कुछ भी दे सकते जाने हमने यहां पे भी स्पेसिफाई कर दिया दूसरा ऑपरेंट कहां से मिलेगा यहां से स्पेसिफाई कर दिया तीसरा ऑपरेंट कहां से मिलेगा बट मैक्सिमम लिखा है तो ये सपोर्ट कर सकता है क्या टू एड्रेस वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो मेरे पूरे कोर्स में एक छोटी सी चीज मैं बता दू जो कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए अलग अलग जगह पे बट मैं बता देता हूं क्लियरली कभी अगर मैंने ऐसा लिखा ऑल कैपिटल में ए डबल डी तो इसका मतलब है मैं लिखना चाहता हूं एडिशन ऑपरेशन और अगर मैंने लिखा ए डबल डी डॉट के साथ या फिर कभी कभी ए डबल डी डॉट के साथ सब स्मॉल में तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं एड्रेस के बारे में तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि दोनों चीजें अलग होंगी ये ऑपरेशन को बताएगा यह एड्रेस को बताएगा टेंशन नहीं करना ठीक है चलो तो अभी मैंने क्या लिखा है यहां पे ये देखो मैंने लिखा है यहां पे टू ए डबल डी डॉट वन एड्रेस जीरो सपोर्ट करेगा थ्री एड्रेस टाइप का कंप्यूटर ओके okay, आगे बढ़ते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब कि एक कंप्यूटर ऐसा है जो सिर्फ एड्रेस इंस्ट्रक्शन अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर दो से ज्यादा एड्रेसेस नहीं दे पाओगे एक दो इससे ज्यादा नहीं चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और कंपेयर करते हैं स्कोर इसको सपोज एक कंप्यूटर है जो थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है तो अगर आपने एडिशन लिखना चाहा तो आप लिख सकते हो कि यू कैन परफॉर्म एडिशन ऑन थ्री वैल्यूज एड्रेस वन में दिया आपने आर जीरो आर थ्री लिख दो R3, लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है कि आप आर वन और आर थ्री की वैल्यू को एड करो और रिजल्ट कहां कॉपी कर दो आर जीरो में कितने आपने ऑपरेंट स्पेसिफाई किए तीन एक आर जीरो एक आर वन आर थ्री तीनों रजिस्टर्स हैं चलेगा हाँ, three address instruction में चलेगा में में अगर आपको इस two address type के computer में, एक ऐसा computer जो सिर्फ करता है two address मतलब और तो by default करेगा ही but maximum two address instruction support करता है तो अगर आपने addition के लिए लिखा एग्जाम्पल तो एडिशन में आपको सिर्फ दो ही ऑपरेंट स्पेसिफाई करने का क्या मिलेगा सौभाग्य मिलेगा तो आप दो ऑपरेंट अगर लिखते हो आर वन और आर थ्री दोनों का एडिशन आपको कराना था सर रिजल्ट का है? मैं स्टोर करूंगा मैं कहा जाएगा मेरा रिजल्ट हवा में थोड़ी जाएगा तो हम क्या करेंगे आर वन और आर थ्री को ऐड करेंगे कर दो भैया बट रिजल्ट कहा जाएगा रिजल्ट कहा जाएगा रिजल्ट इन दोनों में से ही किसी एक रजिस्टर में कॉपी होगा तो जो दो ऑपरेंट आपने स्पेसिफाई किए हैं दोनों में से एक ऑपरेंट ऐसा होगा जो कॉमन होगा कॉमन मतलब वो इनपुट वैल्यू को रीड करने के लिए काम में भी आएगा ताकि हम एडिशन परफॉर्म कर पाए और जब रिजल्ट जनरेट होगा तो आउटपुट को स्टोर करने के लिए भी काम आए तो आप या तो R1 या R3, जो भी क्वेश्चन में जो भी स्पेसिफिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग या तो R1 या फिर R3 में अपना रिजल्ट कॉपी करा सकते हैं तो इस केस में क्या हुआ मैं लिख देता हूं वन ऑफ द टू ऑपरिट्स इज यूज एज सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ क्या मतलब होता है सोर्स का जहां से हम इनपुट रीड करते हैं और डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आप रजिस्टर का या रिजल्ट को स्टोर करते हैं वो तो एक ऐसा होगा जो हम किसके लिए यूज करेंगे? किस करेंगे उसको हम सोर्स के लिए भी यूज करेंगे और डेस्टिनेशन के लिए भी यूज करेंगे इन दिस एग्जाम्पल आई एम हैविंग आर वन सच काइंड ऑफ ऑपरेंट क्लियर है बट इसमें एक और प्रॉब्लम है वो ये कि आर वन की पुरानी वैल्यू हमारे नए रिजल्ट से क्या हो जाएगी ओवर राइट हो जाएगी अगर आर वन में फाइव है आर थ्री में सिक्स है फाइव प्लस सिक्स इलेवन आर वन में आ जाएगा आर थ्री में रह जाएगा सिक्स आर वन की पुरानी वैल्यू गई पुरानी वैल्यू कहां गई कहां गई आर वन से चली गई आर वन से चली गई तो फिर हम यहां एक और स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट ये है कि द ओल्ड वैल्यू ऑफ द कॉमन ऑपरेंड इज ओवर रिटर्न बाय द रिजल्ट तो अगर आपको इस R1 की वैल्यू को प्रिजर्व करना है ताकि पुरानी R1 की वैल्यू हम कहीं आगे यूज कर पाए अगर वो ऐसा डिमांड है प्रोग्राम का तो R1 की वैल्यू को पहले कहीं प्रिजर्व करना पड़ेगा किसी दूसरे रजिस्टर में R2 में R4, R6, जहां भी चाहे वहां पे। समझ में आई बात आ गई चलो अच्छी बात है तो अब हम बात करते हैं कि टू एड्रेस टाइप के कंप्यूटर्स अगर हैं कि ये कंप्यूटर मैंने कहा कि वो टू एड्रेस सपोर्ट कर सकता है तो वो वन और जीरो एड्रेस टाइप इंस्ट्रक्शन भी सपोर्ट कर पाएंगे है ना वो तो बाय डिफॉल्ट है ही क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है आपको इतना समझ में शायद आया होगा अब बात करते हैं आगे की वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो क्या लिखा है मैक्सिमम वन एड्रेस कैन बी स्पेसिफाई विद इन ए इंस्ट्रक्शन तो जो एक वन एड्रेस टाइप का इंस्ट्रक्शन ही सपोर्ट कर सकता है सीपीयू उसमें आप मैक्सिमम एक ही ऑपरेंट की इंफॉर्मेशन दे सकते हो बट अगर आपने लिखा सर हमको एडिशन परफॉर्म करना है एक वैल्यू आर थ्री से दूसरा ऑपरेंट कहां से आएगा दूसरा ऑपरेंट कहां से आएगा तो इस टाइप के कंप्यूटर में जो सिर्फ वन एड्रेस ही इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकते हैं वो यूज होते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर कहा यूज होते हैं बेस्ड आर्किटेक्चर पे और ये मैंने बताया है बताया है? अरे ऑफकोर्स बताया मुझे याद है तुमको याद हो ना हो क्योंकि आपके लिए आज कंसेप्ट दिमाग में क्लियर कल कंसेप्ट दिमाग से क्लियर ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ रिफ्रेश है ना क्लियर हो जाता है तो हम इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे एक्यूमलेटर से लेंगे एक ऑपरेंड दूसरा आर्थरी से और एक्यूमुलेटर में रिजल्ट कॉपी कर देंगे तो यहां पे इफ नीडेड सेकेंड ऑपरेंड इज टेकन फ्रॉम एक्यूमुलेटर और ये जो प्रोसीजर है टू टेक द सेकेंड ऑपरेट फ्रॉम एक्यूमलेटर ये इंप्लिसिट होती है इंप्लिसिट मतलब इंस्ट्रक्शन में उसके बारे में नहीं लिखा है बट सीपीयू का डिजाइन ही ऐसा है कि एक ऑपरेट एक्यूमलेटर से ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लिया जाए दूसरा कहां से लेंगे वो स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शन में वहां से उठाया जाएगा तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम एक्यूमलेटर इंप्लिसिटली और साथ ही साथ एक और चीज यहां लिखूंगा कि सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आर सपोर्टेड इन एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर ठीक है आ गई बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में चलिए वो बाय डिफॉल्ट रहता है एक अक्यूमलेटर एक से आ गया दूसरा जो भी आपने यहां स्पेसिफाई किया इस एड्रेस के थ्रू उससे आ गया काम बन गया लास्ट आता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसके बारे में भी मैंने क्लासरूम में बताया था ये जीरो एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में कोई भी एड्रेस आप स्पेसिफाई नहीं करोगे अगर आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो सपोर्ट होंगे फिर स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में कि आप सिर्फ क्या लिखो ऑप कोड लिख दो दो स्टैक से उठा के परफॉर्म हो जाएंगे तो आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है चीजें बट मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ जो मैंने कहा थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो थ्री एड्रेस भी करेगा मैक्सिमम थ्री एड्रेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो टू भी करेगा वन भी करेगा जीरो भी करेगा सब कुछ करेगा बट अगर एक कंप्यूटर है जो सिर्फ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो टू करेगा थ्री नहीं कर पाएगा क्योंकि मैक्सिमम दो एड्रेसेस हैं तो टू टू के साथ में वन और जीरो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए एक ही ऑपरेंट लगेगा या नहीं लगेगा कोई ऑपरेंट तो आप एड्रेसेस स्किप कर सकते हो ठीक है साथ ही साथ वन एड्रेस के लिए क्या होगा वन एड्रेस अगर किसी कंप्यूटर में यूज हुआ है ओनली वन एड्रेस तो वो एक तो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर होना चाहिए साथ ही साथ वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकता है ठीक है फिर एक कंप्यूटर ऐसा आता है जो सिर्फ और सिर्फ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां यूज हो सकता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में बट इसका मतलब ये नहीं कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज नहीं होंगे एक्यूमलेटर बेस्ड में अक्यूमलेटर बेस्ड में भी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज हो सकते हैं बट खाली जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी यूज हो सकते हैं है ना समझ में आई इतनी बात चलो, ओके ओके ग्रेट 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 अगर एंजॉय कर रहे हो सेशन को तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अब आगे बढ़ते हैं और एक सिंपल सा प्रश्न हल करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करवाऊंगा फिर आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सॉल्व करने को क्या है इस क्वेश्चन में कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर

जो आपको याद रखनी है और जिससे आपको स्टार्ट करना है वो है फॉर्मेट बना लो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेट क्या आता है अगर बोला गया है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होते हैं तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपको मिलेगा एक तो ऑपकोड और उसके साथ ही साथ दो एड्रेसेस हो गए जी हां इंस्ट्रक्शन का साइज क्लियरली है क्वेश्चन में सिक्सटीन बिट लिख दो टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ बिट ये रहा। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इफ एड्रेस लेंथ इज फाइव बिट्स। एड्रेस का लेंथ गिवन है पांच बिट का तो एड्रेस की लेंथ पांच बिट की ये नंबर वन एड्रेस पांच बिट का ये नंबर टू एड्रेस पांच बिट का कोई भी दो एड्रेसेस आप स्पेसिफाई कर सकते हो पांच पांच बिट में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देन मैक्सिमम एंड मिनिमम हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द सिस्टम तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड पता चलेगा ऑपकोड के कॉम्बिनेशन से तो ऑपकोड में कितनी बिट्स बची हम कैलकुलेट कर लें जल्दी से 16 में से पांच और पांच दस चली गई तो ऑपकोड में यहां पे बची सिक्स बिट इस सिक्स बिट से मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो मैक्सिमम आपके पास ऑप कोड कॉम्बिनेशन आएंगे टू पावर सिक्स सिक्सटी फोर तो ये रहा आपका आंसर कि मैक्सिमम सिक्सटी फोर वर्यस इंस्ट्रक्शन कैन बी सपोर्टेड बाय द सिस्टम मिनिमम कितना आना चाहिए मिनिमम कितना आना चाहिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट होंगे एक सीपीयू में मिनिमम होगा वन अब मैक्सिमम लोगों को या कुछ लोगों को तो ये डाउट भी हो सकता है सर जीरो क्यों नहीं क्योंकि अगर आपने कहा है कि ये सीपीयू टू एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो सपोर्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन तो उस टाइप का रखो अगर एक भी उस टाइप का इंस्ट्रक्शन नहीं है तो कैसे बोल सकते हो कि सपोर्ट करता है कैसे बोल सकते हो कि सपोर्ट करता है मैं कह दूं आज को कि मेरे घर में बीएमडब्ल्यू खड़ी है तो उसको प्रूव करने के लिए कम से कम एक कार बीएमडब्ल्यू की तो घर में लाओ सर तभी तो आप बोलोगे कि हाँ, आपके घर में एक बीएमडब्ल्यू है नहीं तो नहीं कैसे मान लेंगे तो कम से कम कितना होना चाहिए किसी भी टाइप का अगर इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है सीपीयू में तो उस टाइप का कम से कम एक इंस्ट्रक्शन मिनिमम एक इंस्ट्रक्शन चाहिए है ना तो आंसर क्या आएगा मैक्सिमम आपको तो 64 इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस सपोर्टेड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू 64 और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द सिस्टम आएगा वन हमेशा याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ें आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर टू अब ये आपको सॉल्व करना है आपको सॉल्व करना है होमवर्क क्वेश्चन नहीं है आपको अभी के अभी सॉल्व करना है यही की यही कंसीडर अ डिजिटल कंप्यूटर अच्छी बात है मतलब बाइनरी की बात है विच सपोर्ट्स 16 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड गिवन है कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन है अरे, मैं सॉल्व करने लग गया इसको आप सॉल्व करो मैं आपका वेट करेगा मैं आपके आंसर का वेट करेगा जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन सिडर अ डिजिटल कंप्यूटर विच सपोर्ट सिक्सटीन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड इज इक्वल टू सिक्सटीन अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड सिक्सटीन है तो सिक्सटीन इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए जब इंस्ट्रक्शन बनेगा तो उसमें ऑपकोड की बिट आनी चाहिए चार ऑपकोट साइज पोर बिट का होना चाहिए ये कैसे निकाला हमने अगर आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं लॉग ऑफ सिक्सटीन बेस टू और वो कितना मिलेगा आपको फोर ठीक है अब चार बिट तो आ गई आगे क्या लिखा है इफ इंस्ट्रक्शन लेंथ इज सिक्स बिट्स ओके एड्रेस लेंथ इज सिक्स बिट्स एड्रेस सिक्स बिट का है एक एड्रेस सिक्स बिट का है जी हाँ कितने ऐसे एड्रेस होंगे टू एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में दो तो फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से इंस्ट्रक्शन का यह है आपका टू एड्रेस टाइप इंस्ट्रक्शन और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की लेंथ नहीं पता हमें हमें पता है कि टू एड्रेस टाइप के इंस्ट्रक्शन में एक तो कोड आता है और आते हैं दुई टू एड्रेस है ना अब ऑपकोड लेंथ निकाला आपने जी हाँ फोर बिट का निकाल के लिख दो यहां पे एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में जी हाँ सिक्स बिट के टोटल इंस्ट्रक्शन का लेंथ कैसे आ गया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व प्लस फोर ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन बिट का तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का सिक्सटीन बिट अब इस क्वेश्चन में दो वेरिएंट्स हो सकते हैं मैं खाली वेरिएंट बता देता हूं एक वेरिएंट क्वेश्चन में आंसर जो पूछा है 16 बिट bit. यहां बिट्स की जगह अगर बाइट लिखा होता तो मैक्सिमम लोग 16 लगा के और आगे बढ़ जाते उनको बिट बाइट से कोई मतलब नहीं रहता मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है फिर बोलते हैं सर कर हमने करोगे ऐसा मुझे पता है करोगे डेफिनेटली करोगे पता है मेरे को करोगे तो याद रखना यहां अगर बिट्स है तो सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर बाइट होता तो दो बाइट बिट इतना तो पता होना चाहिए ना एट बिट इज इक्वल टू वन बाइट नहीं पता तुम भी नहीं बोल रहे हो मैं भी नहीं बोल है ना याद रखिएगा बिट और बाइट देख लेना दूसरा वेरिएंट एड्रेस की लेंथ डायरेक्ट नहीं देना हो सकता है एड्रेस को आपको मेमोरी साइज देके और पूछने को बोले कि मेमोरी का साइज है 64 बाइट का बताओ एड्रेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपको खुद को रेक्टिफाई करना है आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है तो दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है एड्रेस की लेंथ डायरेक्टली ना देते हुए क्या दे रखें मेमोरी का साइज दे रखें मेमोरी की साइज से एड्रेस कैसे निकालना है वो हम थोड़ा तो सीख सक सीख चुके हैं ऑलरेडी और थोड़ा आगे सीखेंगे जब मेमोरी चैप्टर आएगा तो क्या एम्बेड कर पाओगे इजीली है ना याद से पक्का श्योर पक्का चलो तो अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गेट 2016 का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक छोटी सी डिफरेंस है जो रेगुलर इनमें आपको क्या दे रखा है, एक है जो डिफाइंड है जो हमें पता था यहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है स्पेसिफिकली कि क्या फॉर्मेट है, है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर फोर्टी है तो आप बताओ कि ऑपकोड बिट्स कितनी आनी चाहिए बताओ 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 जल्दी से बताओ ऑपकोड बिट्स कितनी होनी चाहिए क्या फाइव बिट से आप फोर्टी डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाओगे नहीं थर्टी टू ही हो पाएंगे क्या सिक्स बिट से आप फोर्टी कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाओगे हां तो ऑपकोड जो है वो कितनी बिट का होगा सिक्स बिट का होगा तो ऑपकोड बिट्स कितनी होंगी अब हम अगर log ऑफ फोर्टी लिखेंगे बेस टू तो इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि log ऑफ फोर्टी जो है वो फाइव पॉइंट समथिंग आएगा अगर ये फाइव पॉइंट समथिंग आएगा तो फाइव पॉइंट समथिंग का आंसर हम फोर बिट लिखें कि सॉरी फाइव बिट लिखें कि सिक्स बिट लिखें फ्लोर वैल्यू ले या सील वैल्यू ले याद रखिएगा इस केस में हमें हमेशा सील वैल्यू लेना है विच इज सिक्स बिट्स ठीक है फिर आगे दे रखा है ट्वेंटी फोर जनरल परपज रजिस्टर्स है ओके हम देखेंगे इनका क्या यूज करना है अ थर्टी टू बिट इंस्ट्रक्शन वर्ड इंस्ट्रक्शन का साइज दे रखा है थर्टी टू बिट का तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो लिख देता हूं नंबर ऑफ रजिस्टर्स मुझे नहीं पता इस नंबर ऑफ रजिस्टर्स का करना क्या है आगे देखेंगे जब पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो इंस्ट्रक्शन वर्ड जो है वो कितनी बिट का गिवन है क्वेश्चन में थर्टी टू बिट का ठीक है ये थर्टी टू बिट का इंस्ट्रक्शन वर्ड हैज एन ऑप कोड ओके फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हुआ है कि इसमें है एक ऑप कोड तो होना ही चाहिए था रजिस्टर दो रजिस्टर ऑपरेंट है तो इस बार एड्रेस डायरेक्टली नहीं गिवन है इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे है तो यहां पे एक रजिस्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको और एक और रजिस्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहां पे तो ये दो रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं ये दो रजिस्टर इनमें से कोई भी हो सकते हैं जो आपके ट्वेंटी फोर तो रजिस्टर्स को आपको बाइनरी में यहां पे नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग जो है वो कितनी बिट की होनी चाहिए ट्वेंटी फोर बिट के लिए सॉरी ट्वेंटी फोर रजिस्टर्स के लिए बाइनरी में नंबरिंग करो तो नंबरिंग करने के लिए रजिस्टर का जो नंबर आएगा वो रजिस्टर का नंबर होगा सेम यही मेथड लॉग ऑफ ट्वेंटी फोर बेस टू पे इतनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी क्या चार बिट से आप ट्वेंटी फोर को बाइनरी में नंबर कर सकते हो नहीं कर सकते पांच बिट लगेंगे क्यों चार बिट से सिक्सटीन कॉम्बिनेशन ही बनेंगे आपके पास तो कितनी बिट, बिट लगेंगी भैया बड़े भैया पांच बिट लगेगी तो ये पांच बिट हमारे पास रजिस्टर की आ गई और ऑपकोड की कितनी बिट्स है हमारे पास सिक्स बिट है आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है एंड एन इमीडिएट ऑपरेंट एक इमीडिएट ऑपरेंट की फील्ड है तो दो रजिस्टर्स के अलावा आपके पास एक इमीडिएट ऑपरेंट और है ये इमीडिएट ऑपरेंट क्या होता है कुछ नहीं ऑपरेंट की डायरेक्टली वैल्यू लिखी होती है यहां पे चार पांच दस पंद्रह बीस जो भी आपके ऑपरेंट की वैल्यू है वो यहां लिखी होगी नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंट फील्ड इज इमीडिएट ऑपरेंट के लिए तो इमीडिएट ऑपरेंट के लिए कितनी बिट्स लगेंगी 32 में से 6 प्लस फाइव प्लस फाइव सिक्सटीन बिट्स गई किसके लिए ऑपकोड रजिस्टर और रजिस्टर के लिए तो इमीडिएट ऑपकोड के लिए या इमीडिएट ऑपरेंट के लिए कितनी बिट्स बची 16 बिट्स 32 में से सब कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है आंसर आएगा 16 ठीक है ओके चलो अब ये एक और गेट का क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली कल डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इसके अलावा एक और चीज जो कल डिस्कस करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन बनते कैसे हैं इंस्ट्रक्शन जनरेट कैसे होते हैं कैसे ये सीपीयू को आइडेंटिफाई होते हैं और जो कभी अगर आपने एक टर्म सुनी है कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन अगर सपोर्ट होते हैं तो एक्सपैंडिंग ऑपकोड नाम की कोई चीज होती है वो कल हम डिस्कस करेंगे उस एफिशिएंसी कैसे सॉल्व होंगे वो डिस्कस करेंगे कल का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो उसे बिल्कुल भी, भी ना छोड़ें स्किप ना करें क्यों क्योंकि टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द फर्स्ट लुक बट जब कल आप सीखेंगे कि इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो फिर आप बोलोगे सर ये तो बच्चा क्वेश्चन है ये तो बहुत किड्स प्ले टाइप का क्वेश्चन है कि तो आसानी से हो जाएगा बस एक सिंपल सी मेथड है जो मैं बताऊंगा और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल स्किप ना करें इंस्ट्रक्शन के मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो कल के ही डिस्कशन के बेसिस पे आएंगे तो बिल्कुल स्किप ना करें और उसके बाद में फिर हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उनके बारे में ठीक है ओके जितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि लेक्चर के बाद जितनी पीडीएफ है मैं यहां पर ड्रॉप करता हूं साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितने लेक्चर्स लगते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन उनकी लिंक उनके जितने भी अनाउंसमेंट हमारे होने वाले हैं वो सब आपको यहीं पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जितने लोग गेट के लिए बहुत सीरियस हैं और चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन एकदम हाई क्वालिटी की हो और उनकी प्रिपरेशन में एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी हो तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है बॉस कि जल्दी से अनअकेडमी या तो आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके और टीम के साथ जुड़ जाओ क्योंकि लिमिटेड टाइम में अगर अच्छी रैंक लानी है तो प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज और बहुत ज्यादा अच्छी होनी जरूरी है आपको पता होगा कि कब कहां कैसे क्या करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है सिस्टमेटिक प्लान के साथ जुड़ना है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 24 फोर मंथस का ही लें क्योंकि आपको एग्जाम के बाद और भी दूसरी एग्जाम्स और भी इंटरव्यूज और रिटर्न टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी फॉर श्योर तो वो कैसे तैयारी करोगे अगर आपके लेक्चर पे एक्सेस चले जाएगा तो तो 24 मंथ्स का लो और इस कोड को यूज करके आपको टेन परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट वीडीप टेन कोड यूज करके टेन परसेंट का डिस्काउंट इंस्टेंट साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा अगर आप लोग ट्वेंटी फोर का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो ट्वेंटी फोर का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो और इसमें भी यूजिंग दिस कोड वी डी टेन वी डी डबल करने पे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा ये रही एक बैच एक्सलरेट बैच जो अभी अभी स्टार्ट की है हमने इसमें आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से क्लासेस इन द फास्ट ट्रैक मोड क्योंकि लिमिटेड टाइम है अगर सारे कोर्सेस कवर करना है तो वो एक्सलरेड बैच स्टार्ट कर सकते हो सीखना बट जितने भी प्लस पे जितनी भी बैचेस हैं वो सारी की सारी बैचेस आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर आप एक बार अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अन एकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्यादा डिस्काउंट लेने के लिए एक कॉम्बेट है बट इस बार का कॉम्बेट मतलब कि स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत मेगा होने वाला है क्योंकि आप में आपके पास ऑप्शन है इस बार कुछ बड़ा जीतने का आप एक तो सब्सक्रिप्शन के लिए अप टू तो 200 रैंक आपको मिलेगा डिस्काउंट कि अगर आपकी रैंक इस स्कॉलरशिप टेस्ट में वन से थ्री है तो वन ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अगर फोर टू टेन है तो सेवेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा इलेवन टू फिफ्टी है तो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और अगर आपकी रैंक फिफ्टी वन टू टू हंड्रेड है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा बट ये मेगा कॉम्बेट जो है वो मेगा कॉम्बेट में इस बार आपको आईपैड मिनी फिटबिट जेबीएल स्पीकर जेबीएल हेडफोन्स और एमेजॉन वाउचर जीतने का मौका भी

और उस पर्टिकुलर वीडियो में है तो आप लिंक पे जाके वीडियो के बारे में लिखो डिटेल बताओ इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट टू द टीम यू कैन विन द बग बाउंडी ये चैनल है कंप्यूटर साइंस आप मेरा करंटली लेक्चर देख रहे हैं लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें सारे अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करके और चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें क्यों क्योंकि अगर घंटी बजाओगे

और गाइडेंस की आप इसको और कैसे फाइन ट्यून कर सकते हो 9 पी एम सेशन है अन के स्पेशल क्लास पे मिलते हैं तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग बाय बाय